बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला जी बस। तो माशाल्लाह जी सुबह का आगाज़ हो गया, काम शाम हमारे सारे कंप्लीट हो गए हुए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इधर ही लेट गए आके। गंदम माशाल्लाह हमारी पहुंच गई है और जो हमने कपड़े धोए थे उनको ला के हमने रख दिया है इधर। बेडशीट चेंज कर ली है और कपड़े शपड़े इधर फेंक दिए। अब देखते हैं इनको समेटेंगे और साथ बनाएंगे जी नाश्ता। इनको भी उतार के भी धोना है क्योंकि बाकी कपड़े समेटे गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कवर्स रह गए इनके, सारे चीज़ों के कवर निकाल के इन्हें धो के तो फिर इन्हें प्रेस करके फैलाऊँगी दोबारा। और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें पड़ी हुई हैं ये उठाएंगे, बाकी सफाई तो कर ली। ये मैं कल गई थी जी बाज़ार, मम्मी जी के लाई हूँ कुछ, कुछ शर्ट्स के पीस वगैरह ला के देना। ये दो पीस लेके आई हूँ मैं, दो और हैं लेकिन अब पता नहीं उनको पसंद आएंगे या नहीं। उनकी चॉइस भी तो माशाल्लाह है, तो वो नहीं पहनती ऐसी चीज़ कोई भी जब तक उनके दिल को अच्छी ना लगे। अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छे लाई हूँ दोनों, और दो और हैं वो भी सिंपल ही हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जनाब तो ये है एक, मैंने पहले ऐसे रफ सा दिखाया लेकिन मैंने कहा सरा तफसील से बता दो। ये है शलवार और कमीज़ एक जैसा ही है, दुपट्टा सादा लेना पड़ेगा या इसके साथ शलवार मैच करेंगे। तो एक ये प्रिंट है और ये है सिंपल कमीज़, इसके साथ शलवार मैच करनी है। क्योंकि उन्होंने कहा था बिल्कुल कच्ची लॉन जो होती है ना नरम, बिल्कुल सॉफ्ट सी वो लेके आना, तो ये लिया है। और एक है ये ब्लू प्रिंट में, ये भी माशाल्लाह कपड़ा बहुत अच्छा है, प्रिंट भी बड़ा प्यारा है और इसके साथ प्लेन शलवार है। ये एक ये है और एक है ये। ये तो बड़ी ख़ास जगह से आया है लेकिन मैंने कहा पहले मैं अम्मी जी को दूँगी, अगर उन्हें पसंद आ गया तो वो ये सिलवा लें। ये वाला बहुत ख़ास जगह से आया, अल्लाह ताला पहनना नसीब करे। तो ये मुझे दाता सरकार से मिला है, दाता सब सरकार से ये वाला मासूम। मैंने अम्मी जी को भेजती हूँ, अगर उन्हें पसंद आ गया तो वो ये सी लेंगे। उन पर डिपेंड करता है कि उनको कौन सा कलर पसंद आएगा, डिपेंड है उन पर कि कौन सा कलर वो लाइक करेंगे। तो ये आज मैं भेज दूँगी भाई के हाथ या बेटे को कहूँगी जब वो जाएँगे कॉलेज रास्ते में से जाते हुए या वहाँ से किसी के साथ जाके ना, तो वो अम्मी जी को पहुँचा देंगे। ये था आज का मेरा काम और मैंने अभी फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बना के बच्चों को दे के तो मैंने निकलना है। 10:45 का टाइम हो गया, मैंने 10 बजे जाना था लेकिन लेट हो गई हूँ। मैं जल्दी जल्दी करूँगी अपना काम और यहाँ जनाब हम कर रहे हैं जी काम। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2-2 पंखे भी लगाए हुए हैं, एग्जॉस्ट भी चल रहा है, फ़ैन भी नीचे ऑन किया हुआ है, लेकिन गर्मी है कि बस कह रही है कि आज ही आना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, दूध अल्हम्दुलिल्लाह लेके बॉयल कर लिया और मेडिसिन में गई थी पिसवा के ले आई हूँ शुगर की। अब ये देसी मेडिसिन किसी ने गाइस का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, एलोपैथी से गुर्दे ख़राब हो रहे हैं इस वजह से मैं ना ये ले आई हूँ। तो बर्तन शर्तन मैंने सब कुछ नीट कर लिया हुआ है, बच्चे तो अभी सो रहे हैं, अब बनाऊँगी उनका नाश्ता। ये देखें दाल मैंने ऊपर रख दी है, मसर की दाल है, प्याज लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको मैं प्याज का तड़का लगाऊँगी बघार, और तवा रख लिया है, प्याज मैंने कटिंग करके रखा हुआ है और आटा मैंने अभी गूंद लिया। ये देखें अभी मेरे लिए पराठे बना के फिर मैं इंशाल्लाह निकल जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स। तो माशाल्लाह जी मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है, साथ हरी मिर्चें कटिंग करके डाल दी हैं और साथ ही जनाब मैंने ये देखें सूखा धनिया पिसा हुआ, कलवंजी और काली मिर्ची ये भी डाल दी है जी दाल में। दाल मेरी डन हो गई है, रोटियाँ भी बना के रख ली जनाब बच्चों के लिए। बाद में अब नीट करेंगे, टाइम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी विवास। तो माशाल्लाह जी फ्री हो गए हैं हम और अब मैं चली जा रही हूँ, नहीं मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं जाऊँगी जी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का इख्तिताम करेंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें जी, अल्लाह ताला के हुस्न ईमान में रहें, अल्लाह ताला आपकी नस्लों को शादाबाद रखे जी, आपके दस्तरखान वसी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दे दिया करें, दुआ में याद रखिएगा और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि
हमारी हर आने वाली नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। आज का मिनी व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।